आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अमित बॉट 150 शेयर्स ऑफ रुपीस 100 ईच। द पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज रुपीस 60। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एज द सेकंड इंस्टॉलमेंट इन रुपीस। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अमित ने क्या करा है, 150 शेयर्स खरीदे हैं और 100 रुपीस ईच के अकॉर्डिंग। तो नाउ उसकी जो पेड अप वैल्यू है, शेयर्स की जो पेड अप वैल्यू है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू रुपीज 60। तो हमें क्या करना है, अमाउंट फाइंड करना है जो हमने पेड करना है, पे करा है। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एज अ सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट जो के जो हमें करना पड़ेगा अमाउंट पे, वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स और फेस वैल्यू दी हुई है, और हम क्या फाइंड कर सकते हैं, जो हमारी टोटल कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल है, वो हम फाइंड कर सकते हैं जो अमित ने इन शेयर्स को खरीदने में लगाई है। तो नाउ सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज इक्वल टू 150, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स दैट इज इक्वल टू रुपीज 100। तो नाउ ऑथराइज्ड कैपिटल निकाल सकते हैं। नाउ ऑथराइज्ड कैपिटल किसके इक्वल हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू जो टोटल अमाउंट उसने लगाया है वो किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी जो इसको उसने इन शेयर्स को खरीदने में लगाई है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 15,000 रुपीज। ये टोटल उसने 150 शेयर्स जो उसने 100 रुपीज ईच के अकॉर्डिंग खरीदा, तो उसको कितने रुपीज टोटल लगे हैं, 15,000 रुपीज लगे हैं। तो हमारे पास क्या है, पेड अप वैल्यू दी हुई है ईच शेयर की। तो नाउ पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर ये भी हमारे पास दी हुई है, तो ये किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू रुपीज 60। हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स भी है, पेड अप वैल्यू भी है, तो पेड अप कैपिटल फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू वो किसके इक्वल आएगी, इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर। पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स है दैट इज इक्वल टू 150 और पेड अप वैल्यू हमारी क्या है 60। तो 15 6 हमारे पास क्या आया 90। तो नाउ हमारे पास क्या आ गया 9,000 रुपीज। तो ये 9,000 रुपीज आ गए जो उसकी पेड अप वैल्यू है। तो अब हम उसको क्या करना पड़ेगा, उस यहाँ लिखा हुआ है सेकंड इंस्टॉलमेंट में उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो हम ये लिख सकते हैं अमाउंट पेड एज सेकंड इंस्टॉलमेंट इज नाउ अमाउंट पेड एज सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो वो क्या आएगा, जो हमारा टोटल अमाउंट आया है, टोटल जो ऑथराइज्ड कैपिटल आई है, टोटल अमाउंट आया है, उसमें से अगर हम पेड अप अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट का माइनस पेड अप कैपिटल। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, पेड अप कैपिटल को माइनस कर देंगे। तो टोटल हमारे पास क्या आया था 15,000, तो 15,000 माइनस 9,000 इज इक्वल टू किसके आएगा, दैट इज इक्वल टू अगर हम इन दो 15 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो 6,000 रुपीज आएंगे जो उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट में पे करने पड़ेंगे। तो यही हमारा आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।